हेलो दोस्तों, राम राम जी। RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, अभी कर रहे एक नए व्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ, आप भी मेरे साथ बने रहिए। तो आज मैं जा रहा हूँ, हमारे यहाँ पर एक ट्यूबवेल खोद रही है, तो उसका निरीक्षण करने के लिए कितनी गहरी खोदी है और कितनी बाकी है अभी, और ट्यूबवेल कैसे खोदी जाती है। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और वीडियो का आनंद दीजिए। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे खोदी जाती है ट्यूबवेल। तो ये हो रही है ट्यूबवेल की खुदाई। ये सामने जो मशीन लगी हुई है और ये डाल रहे हैं अंदर पाइप। लगभग ये 300 फुट गहरी खुदी है और इधर ये मुल्तानी मिट्टी डाल के पानी के लिए जगह बनाई हुई है। इधर से पानी उस ट्यूबवेल में ऊपर जाता है और फिर इस पाइप द्वारा नीचे आता है। जो भी ट्यूबवेल खुदवाई है उनको तो सभी को पता है। और इधर हमारे सब गांव के लोग खड़े हैं, ट्रैक्टर की टंकी खाली हो रही है और ये एक भाई साहब बाल को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सेंस कर रहे हैं इसको। और ये एक शॉर्ट मार के इस पाइप को खोल रहे है और ऊपर दूसरा पाइप लगा रहे है। ये देखिए इस प्रकार। तो इनका काम बहुत ही जटिल होता है और अभी तक ये लगभग 300 फुट गहरी हुई है और जहाँ तक पानी नहीं आएगा तब तक खोदते ही रहेंगे इसको, बहुत ही गहरी करेंगे। अगर आपके वहाँ भी ट्यूबवेल बनती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वहाँ किस तरह से खोदी जा रही है। हमारे यहाँ पर तो ये एक सरकारी ट्यूबवेल है जो इस प्रकार से खोद रहे हैं। देखिए, इसमें पानी डाल रहे हैं एक साइड से और इस प्रकार खोद रहे हैं। और ये भाई साहब देखिए, अब इस पाइप को चेंज कर रहे हैं, ऊपर उठा लिया है। और ये बच्चे आ गए पास में और ये बड़े भाई साहब वृद्धाराम जी आ गए। और अभी हम जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए कि इधर कैसी बजरी आई है, वो देखेंगे जाकर दोनों। साल मेरे साथ है। ये बजरी है जिसके अनुसार मीठा बजरी बढ़िया आई है। ये बजरी के अनुसार वो लगे के अपना पानी मीठा है, देख लो सर। हाँ, अवन रामदेव महाराज है। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके अवश्य बताना। और मेरे चैनल पर नए चैनल के सदस्य तले के घंटी का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग में। आप सभी को राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।